नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका चैनल, मेरे चैनल सरिता वॉइस में। बाबा जी कहते हैं पूरी तरह से सक्षम होगा तो आइए प्रारंभ करते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक को, जो महाराज जी की लीलाओं की यदि चर्चा की जाए तो अनेकों मुख से भी महाराज जी की लीलाओं का गुणगान कर पाना बहुत मुश्किल कार्य है। लेकिन जिस व्यक्ति के जीवन में महाराज जी के अनुभव जुड़ जाते हैं, ऐसा व्यक्ति सदैव हर पल को, हर क्षण को बहुत ही चमत्कारी स्वरूप में अनुभव करता है। तो इसलिए आज सबसे पहले मैं यह प्रार्थना करना चाहूंगी कि जिन जिन अन्य भक्तों तक यह क्रमांक पहुंच रहा है, महाराज जी की कृपा के अनुसार उनके जीवन में बड़े बड़े चमत्कारों को ऐसे अन्य भक्त अवश्य और निसंदेह स्वीकार करें और उनके जीवन में बड़े परिवर्तन हो। देखिए, यदि आप महाराज जी के शरणागत होकर महाराज जी की अद्भुत कृपा हो का अनुभव जीवन में करना चाहते हैं, महाराज जी की इन लीलाओं का भाग बनना चाहते हैं, सबसे पहले आपको कुछ बातों का अवश्य ध्यान रखना होगा। ये बात कर लेते हैं क्रमबद्ध तरीके से। यदि महाराज जी की दिव्य कृपा हो का अनुभव हम अपने जीवन में आसानी से कर सकते हैं, सबसे पहली बात यदि की जाए तो देखिए, बहुत से अन्य भक्तों को, बहुत से अन्य दर्शकों को एक बात का संशय रहता है कि महाराज जी अपने भक्तों से क्या अपेक्षाएं रखते हैं। देखिए, अपेक्षाओं की जब बात आती है तो महाराज जी हमारे हमेशा सरल और सहज भाव से भक्ति में विश्वास रखते हैं और सही सीख अपने अन्य भक्तों को बताते हैं। तो इसलिए महाराज जी की अनुरूप आपको जीवन में विशिष्ट या विशेष कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। आपको सरल हृदय से सहज भाव को अपनाते हुए महाराज जी की भक्ति करनी है। और जब बात भक्ति की आती है तो उसमें किसी भी विशेष विधि विधान का बिल्कुल भी संस्करण नहीं हो पाता है, क्योंकि महाराज जी कहते हैं कि जो व्यक्ति सरल और सहज और सच्चे हृदय से इष्ट की और ईश्वर की प्रार्थना करता है, उनकी भक्ति करता है, ऐसा व्यक्ति मुझे सर्वप्रिय है। तो इसीलिए यह बात अपने हृदय से निकाल दीजिए कि कुछ भी आपको विशेष करना है, आप केवल सच्चे हृदय से महाराज जी का स्मरण करते रहिए, महाराज जी का नाम लेते रहिए, महाराज जी की शिक्षाओं के अनुरूप जीवन में आगे बढ़िए। महाराज जी की कृपा जब आपके जीवन में आएगी इसका अनुभव आप स्वयं लगा ही नहीं पाएंगे। और इसके साथ साथ आपको एक चीज और बता दूं कि महाराज जी आपको अपनी अनुभूति अवश्य करा देंगे। देखिए, जब किसी भी अन्य भक्त के जीवन में महाराज जी का आगमन होता है तो वह अनुभव उस अन्य भक्त को स्पष्ट तरीके से समझ में आने लगते हैं। अर्थात यदि आपको महाराज जी अपनी अनुभूति कराना चाहते हैं तो महाराज जी अपनी अनुभूति बड़ी सरलता से आप तक पहुंचा देंगे, यानी कि आपको इस बात का आभास हो जाएगा कि इस समय महाराज जी मेरे साथ हैं। आप सोचिए कितनी अद्भुत है यह बात। महाराज जी जब भी आपके पास आएंगे, महाराज जी जब भी आपको अपना चाहेंगे तो आपका हृदय महाराज जी की अनुभूति का सबसे पहला आभास आपके मस्तिष्क तक आपको पहुंचा देंगे। जैसे बहुत से अन्य भक्त एक संशय करते हैं, जब महाराज जी जब अपनी अनुभूति करा पाएंगे उस समय हमारी बुद्धि जो है वह हमें इस बात का अंदाजा लगा पाएगी या नहीं कि महाराज जी यहाँ पर है या नहीं। संशय मान मत रहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि महाराज जी की इच्छा होगी या तभी दर्शन देने आएंगे, और जब महाराज जी आपको दर्शन देने आएंगे तो आपको हमेशा पता हो जाएगा कि यह कोई और नहीं है, महाराज जी की ही अनुभूति है, यह महाराज जी की लीला है। तो यह संशय मस्तिष्क से आपको बिल्कुल हटा देना चाहिए। आइए बात करते हैं अगले बिंदु की और। यदि आप महाराज जी की भक्ति करना चाहते हैं, यह गलती नहीं होनी चाहिए। महाराज जी कहते हैं कि अन्य भक्त मुझे प्राप्त करना चाहता है, ऐसा व्यक्ति कभी अपनी दृष्टि में किसी प्रकार की असमानता या भेदभाव ना रखे। अगर आप इस प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं कि आप सोचते हैं कि केवल और केवल महाराज जी मुझे ही दर्शन दे, केवल और केवल मेरे ही जीवन में चमत्कार हो, या केवल और केवल मैं ही आगे बढ़ूं, तो ऐसे सोच के साथ महाराज जी भक्ति अपनी भक्ति आपसे कभी नहीं जुड़ने सकते। और यह संभव की दृष्टि रखनी होगी आपको, हमेशा आप सबके लिए अच्छे की कामना करनी होगी। और ऐसा व्यक्ति जो संभव रखता है, सभी के अच्छे की कामना करता है, ऐसा अन्य भक्त महाराज जी की को बहुत शीघ्रता से प्राप्त हो जाता है। जैसे बहुत से लोग क्या कार्य करते हैं कि वह सोचते हैं कि काश मैं ही आगे बढ़ूं, या दूसरों से द्वेष या जलन की भावना रखते हैं, तो ऐसी भावना हृदय में बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि महाराज जी कहते हैं कि ऐसा भक्त मेरा भक्त कभी नहीं हो सकता जो अनंत भक्तों से बैर रखता है। तो इसलिए ऐसा व्यक्ति आपको नहीं बनना चाहिए। आपको हमेशा सबके
अच्छे की कामना करनी। और यह बात महाराज जी से अद्भुत आपको कोई सिखा ही नहीं सकता, क्योंकि आपने देखा होगा कि महाराज जी के श्री कैची धाम या अनंत धामों में विभिन्न प्रकार के लोग, देश विदेश से लोग पहुंचते हैं, और यह महाराज जी की शिक्षा की सभी को दृष्टि से भाव से देखकर ही समाज का हित किया जा सकता है, अन्य भक्तों से भी रखते हैं। तो इसलिए आपको हमेशा आपको एक दृष्टि से देखना चाहिए, सबके साथ प्रेम भाव बनाकर आगे बढ़ते रहना चाहिए। ऐसा व्यक्ति जीवन में वैसे भी स्वाभाविक तौर पर बहुत तरक्की करता है। आइए जान लेते हैं अगला बिंदु क्या है महाराज जी का। महाराज जी कहते हैं कि हमेशा आपको ईश्वर को अपने हृदय में संजो कर रखना चाहिए, और ऐसा अगर आप कार्य करते हैं तो महाराज जी कहते हैं कि आपके जीवन में हमेशा हमेशा सकारात्मकता बनी रहती है, सकारात्मक, और आपकी सोच बहुत उच्च होगी और आपके द्वारा किए गए सारे कार्य भी होंगे। लेकिन यह कार्य थोड़ा मुश्किल है हो जाता है, क्योंकि देखिए हर समय हम अपने जीवन में अपने कार्य क्षेत्र के बारे में सोचते हैं, अपने जीवन की तरक्की के बारे में सोचते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन आप सोचिए कि जब यह कामना हम करते हैं तो एक प्रश्न उठता है कि काश ईश्वरीय सारी चीजें, यह सारी मनोकामनाएं पूरी कर दे, तो हम गलती क्या करते हैं कि हम केवल और केवल उस तरक्की के बारे में सोचते हैं जो उस तरक्की को प्रदान करने वाले हैं, उस तरक्की को पूरी तरह से आपको देने में सक्षम है। अगर हम प्रत्यक्ष रूप से उन्हीं के बारे में सोचना शुरू करेंगे तो ये सारी मनोकामनाएं अपने आप ही पूरी हो जाएगी। इसी तरह महाराज जी कहते हैं आपको आकर्षित करना चाहते हैं कि आपको हृदय में हमेशा ईश्वर का स्मरण करते रहना चाहिए, ईश्वर का ध्यान करते रहना चाहिए, ईश्वर के नामों का जाप करते रहना चाहिए। इससे हमारे जो जितने भी कर्तव्य हैं, जितनी भी कामनाएं हैं, जितनी भी खुशियां हैं, सब अच्छे से पूरी होंगी, वह सारी मनोकामनाएं बहुत शीघ्रता से पूरी हो जाती हैं। इसीलिए महाराज जी की दिव्यता के ओज में आने से, महाराज जी के सानिध्य में आने से, उनकी त्रुटियां जो उन्हें भक्त कर रहा होता है वह, क्योंकि महाराज जी हमारे हृदय को परिवर्तित करना बड़ी आसानी से जानते हैं, और महाराज जी इस बात को कहते हैं कि मैं हृदय परिवर्तित करना जानता हूँ, मैं शिष्य नहीं भक्त बनाता हूँ। तो इसीलिए अगर आपको भी महाराज जी के अनुभव हो रहे हैं और महाराज जी के अनुभव के साथ आप महाराज जी के अनुभव यानी कि महाराज जी की अनुभूति भी कर पा रहे हैं तो आप बड़े ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि महाराज जी ने आपका चुनाव किया है। और यदि आपका चुनाव महाराज जी ने किया है तो एक बात मैं आपको बता दूं कि प्रत्यक्ष होने वाली है, कि आप इस बात को लेकर कभी संशय मत रखिए कि आप गलत हैं मार्ग पर चलने वाले हैं, क्योंकि यह बुद्धि महाराज जी आपको दे रहे हैं, यह मार्गदर्शन महाराज जी आपको दे रहे हैं। बस आपको करना क्या है कि एक बार किसी न किसी विधि से महाराज जी के सानिध्य को प्राप्त कर लेना, और महाराज जी को कि जो प्राप्त करने की विधि है वह क्या है, केवल स्नेह और प्रेम का भाव। महाराज जी इतने दयालु हैं कि यदि हृदय से एक बार आप महाराज जी का नाम लेकर महाराज जी को पुकारेंगे तो महाराज जी शीघ्रता से महाराज जी आप तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि महाराज जी किसी भी प्रकार के अपने भक्तों का दिल नहीं दुखाते, महाराज जी बहुत दयालु हैं, आपकी एक पुकार पर आपके पास दौड़े चले आएंगे। तो इसलिए महाराज जी को प्रसन्न करना कोई बड़ी मुश्किल नहीं है, प्रेम से हृदय से पुकार ये महाराज जी अवश्य आपके पास आकर आपके जीवन को का उद्धार करेंगे। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक, और इसके लिए बहुत आशा करते हैं लाभकारी होगा। कामना के साथ विदा लेते हैं, इससे पूर्व समय रोजाना की प्रार्थना का यही प्रार्थना करूंगी कि महाराज जी सभी को सन्मति सद्बुद्धि का प्राप्ति कराए हुए संपूर्ण सृष्टि का संपूर्ण लोक का कल्याण हो, इसी कामना के साथ विदा लेते हैं और मिलते हैं अगले क्रमांक में। तो जब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री नीम करोरी बाबा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये बाबा की वीडियो? अच्छी लगी तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिए।